हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनबॉक्स इट फ्रॉम देवेश। और जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ प्लग्स हैं और ये विप्रो कंपनी के प्लग्स हैं। जैसा आपने पढ़ ही लिया होगा ये स्मार्ट प्लग है, तो इनमें कुछ स्पेशलिटी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सो लेट्स अनबॉक्स इट। ये जो विप्रो कंपनी के स्मार्ट प्लग है या किसी भी कंपनी के स्मार्ट प्लग होते हैं, इनका क्या काम होता है? बेसिकली इनका काम होता है आपके घर को ऑटोमेट करने में हेल्प करना। आपकी जो चीज़ें जो ऑटोमेटेड नहीं है, जो वाईफाई इनेबल्ड नहीं है, जो स्विचेस आपके वाईफाई वाले नहीं है, उनको वाईफाई वाला बनाना। तो वो क्यों बनाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले प्रोडक्ट के ओवरव्यू लेते हैं। तो इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं जो विप्रो पर्टिकुलरली देता है। विप्रो एक 16 एम्पेयर का प्लग देता है, एक 10 एम्पेयर का प्लग देता है। जिनको नॉलेज नहीं है 16 और 10 एम्पेयर की, उनके लिए सिर्फ एक लेमैन लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँगा कि 16 एम्पेयर हैवी डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे आपकी रॉड हो गई या आपका गीजर हो गया, जो हैवी डिवाइसेस होते हैं, हीटर हो गया, उसके लिए होता है 16 एम्पेयर। बड़े वाले जो होते हैं ना पोर्ट्स, मोटे वाले, वो 10 एम्पेयर उससे थोड़ा छोटे के लिए होता है। रियलमी वगैरह भी अपने प्लग्स लाते हैं, वो 6 एम्पेयर के भी लाते हैं, वो थोड़े और छोटे के लिए, मीन्स चार्जर एंड ऑल। तो जितना ज़्यादा एम्पेयर पड़ता है उतनी ज़्यादा पावरफुल डिवाइस है, उतना ज़्यादा पावर कंजम्पशन वाला डिवाइस आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप छोटे वाले में बड़ी पावर कंजम्पशन वाला डिवाइस लगाते हैं तो छोटे वाला बर्न होना या छोटे वाले के ख़राब होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अब ओवरव्यू ले लेते हैं 16 एम्पेयर वाले के, पहले बॉक्स की और 10 एम्पेयर वाले बॉक्स की भी साथ में। तो आप देख सकते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई सपोर्ट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता। आप ऐप में इसको सेट करेंगे 5 गीगाहर्ट्ज़ का शो ज़रूर करेगा बट सपोर्ट नहीं करेगा, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई से चलेगा। सामने प्रोडक्ट की फ़ोटो है और इसकी ब्रांडिंग है और एम्पेयर बताया गया। तो दोनों प्रोडक्ट की लेफ्ट साइड सेम है, मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी 2/21 है, इसकी 3/21 है। इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये के आसपास है, इसका 2300 रुपये के आसपास है, बट ये 900 और ये 850 के आसपास पड़ जाता है सेल पे। एम्पेयर्स बताए हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी बताइए और डिटेल्स बताइए इस पे, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बताइए। अगर हम इस साइड की बात करें तो इसमें हमें ये पता लग रहा है गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा से भी चलता है। तो जो आप गूगल को कमांड देते हो ओके गूगल करके या एलेक्सा को कमांड देते हो, तो उसके थ्रू भी ये ऑन ऑफ हो सकता है। आप देख सकते हैं इसके फीचर्स कि ये बेसिकली कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं आपके अप्लायंसेज जो भी इलेक्ट्रिकल हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब वो चाहे आप वॉइस से कर दें गूगल या एलेक्सा को बोल के, या फिर आप फ़ोन के थ्रू कर दें। आप इसमें शेड्यूल भी लगा सकते हैं, लेट्स से कि कब ऑन होना चाहिए कब ऑफ होना चाहिए, और टाइमर भी लगा सकते हैं, और ये एनर्जी कंजम्पशन भी बताता है। वैसे मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें मैंने चेक किया था, ये थोड़ा अंडर वैल्यू बताता है, तो ये एग्जैक्ट नहीं बताता है। विप्रो के प्रोडक्ट्स एग्जैक्ट एनर्जी कंजम्पशन नहीं बताते हैं, थोड़ा सा अंडर काउंट करता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बट फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत एनर्जी कंजम्पशन मॉनिटर करनी है तो ये अच्छा डिवाइस है। तो आप देख सकते हैं ओके टेस्टेड का इसमें लिखा है, और ये आपका 16 एम्पेयर वाला है, और जैसा हमें पता है 16 एम्पेयर का है तो काफ़ी बड़ा होगा, और आप देख सकते हैं बड़े प्लग्स है, और इसमें यहाँ पे लिखा भी है कि 16 एम्पेयर ही मैक्स रेजिस्टिविटी रखता है, मेड इन इंडिया है एंड स्मार्ट प्लग है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी है। तो ये पूरा यहाँ पे इसका ऑन ऑफ और रीसेट प्लग है, और इसमें कुछ भी नहीं है, सामने एक LED लाइट है, और यहाँ पे हमें पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक क्विक स्टार्टअप गाइड, एंड आई होप कि ये शायद दोनों के लिए सेम ही होगी, इसके लिए भी और 10 एम्पेयर वाले के लिए भी। अब एक बार ये 10 एम्पेयर वाला खोल के देख लेते हैं। इस पर भी सेम ओके टेस्टेड की सील लगी है। 10 एम्पेयर वाला ऐसे राउंड सा है, और इसका ऑन ऑफ स्विच अगर आप देखें तो यहाँ साइड में है रीसेट और ऑन ऑफ स्विच, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग ईयर इसमें लिखा है, और इसमें भी बोला कि 10 एम्पेयर मैक्स ले सकता है। इसके अंदर भी हमें एक और वही जो सेम बुकलेट जो मैंने बोला था वही मिलती है, कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है, साइज में भी डिफरेंस नहीं है, सेम बुकलेट है, सेम चीज़ें बता रही है। अभी ये साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन, अब आप देख सकते हैं इसमें आप एक LED लाइट है जो ब्लू और रेड जलती है डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है। इसमें जो लाइट्स क्या है वो कहीं नहीं है, बट यहाँ है जो इसकी लाइट है वो यहाँ है, इसकी लाइट यहाँ साइड में जलती है। इसमें बड़े और छोटे डिवाइसेस लग जाते हैं, और इसमें भी बड़े और छोटे दोनों डिवाइसेस लग जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों टाइप के डिवाइसेस सपोर्ट कर लेते हैं। एंड ये है 16 एम्पेयर वाले पोर्ट में लगता है, और ये छोटे वाले पोर्ट में ईजिली लग जाएगा। तो इन डिवाइसेस में कुछ नहीं है, क्लीन लुक है, साफ़ है, और कुछ नहीं। तब ये वाईफाई वाले जो डिवाइसेस हैं इनकी बात करते हैं। आपके वाईफाई से कनेक्ट होंगे, आप लेट्स से इसमें कुछ भी लगाते हैं तो आप उसको ऑटोमेटिकली फ़ोन के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं, गूगल को बोल के ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। अब शेड्यूल्स की बात करते हैं। लेट्स से आपने ये ले लिया अपने गीजर के लिए, और आपने गीजर में लगा दिया। अब लोग बोलते हैं कि गीजर तो ऑटो कट होता है, गीजर खुद ऑफ हो जाता है, बट एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ता है, आपको रात को ऑन करके सोना पड़ता है, फिर वो पानी गर्म करता है, जब उसको पानी थोड़ा ठंडा लगता है तो वो दोबारा पानी गर्म करता है, तो ऐसे गीजर काम करता है। तो वो बार बार पानी गर्म करता है और कट हो जाता है, फिर ठंडा होने के बाद दोबारा पानी गर्म करता है, तो वो बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं सुबह तक, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। अगर आप ये वाला डिवाइस लगा लेते हैं उसके लिए,
ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर आप ये एक डिवाइस लगा लेते हैं उसके लिए और आप इसमें रोज़ का टाइमर सेट कर देते हैं, लेट्स से आप सुबह 6 बजे नहाने जाते हैं, तो आप इसमें रोज़ टाइमर सेट कर सकते हैं कि आपका गीज़र लेट्स से 5:30 ऑन हो जाए या 5 बजे ऑन हो जाए, तो ये वो काम कर सकता है, ऑटोमेटिकली गीज़र को 5 या 6 बजे ऑन कर देगा जब आपने टाइमर रखा होगा। और आप चाहते हैं कि लेट्स से आपका नहाने नहुने का सब कुछ हो जाता है, 7 बजे तक आपको गीज़र ऑफ चाहिए, तो आपको स्विच नहीं छेड़ना है गीज़र का, आप इसमें टाइमर रख दीजिए कि कुछ भी हो गीज़र का स्विच ऑफ हो जाए 7 बजे एंड वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ऐसी ऑटोमेशन या शेड्यूल्स जिसको आप बोलते हो वो आप इसमें रख सकते हो, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचाने में बहुत हेल्प करते हैं। अब कई लोग ये बोलते हैं कि ऑन रहेगा, वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा तो ये बिजली खाएगा। जी हाँ, ये अगर ऑन रहेगा, वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा, नो डाउट ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा, पर ये बहुत बहुत निल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है। आपके जितने भी वाईफाई वाले ऑन रहने वाले ऐसे डिवाइसेज होते हैं ऑटोमेटेड वाले, या फिर आपके जो छोटे छोटे मोशन सेंसर वाले डिवाइसेज होते हैं, ये बहुत कम बिजली खाते हैं, निल के बराबर बिजली खाते हैं। तो इनका ऑन रहने से आपकी बिजली ज़्यादा बचेगी एज़ कम्पेयर कि आपका घाटा ज़्यादा। तो ये एक एग्जांपल है 10 एम्पीयर वाले में। आप टाइमर भी लगा सकते हैं कि लेट्स से आपने कोई चीज़ आपने अपना फ़ोन या कुछ भी चार्जिंग पे लगाया, वैसे तो सब स्मार्ट डिवाइसेस हो गए आजकल ऑटो कट हो जाता है, बट आप उसमें टाइमर रख सकते हो कि वो कितनी देर में ऑफ हो जाए। लेट्स से आपने अपना इंडक्शन या कुछ और ऑन होके लगाया और आप चाहते हैं कि वो 10 मिनट बाद ऑफ हो जाए, तो आप गूगल को कमांड दे दीजिए कि मेरा इंडक्शन वाला स्विच 10 मिनट बाद ऑफ कर देना, या फिर आप इसमें ऐप में टाइमर रख दीजिए। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो आप इनके साथ कर सकते हैं एंड ये बहुत हेल्पफुल रहती है। तो मैं एक आधा आपको चला के दिखाता हूँ और इसमें दिखाता हूँ कि सेटअप कैसे होता है। तो दोनों का प्रोसेस सेम रहता है, पर मैं आपको छोटे वाले के साथ दिखाऊंगा क्योंकि बड़े वाले का अभी मेरे पास प्लग यहाँ है नहीं, और वो अगर मैं प्लग के पास कैमरा ले जाऊँगा तो वो वीडियोस क्वालिटी की नहीं बनेगी। तो मैं इसको छोटे वाले में लगा लेता हूँ। तो ये लगा के आपका स्विच जो है मेन वो ऑन कर देना और उसको ऑन ही रखना है, और अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपने ये डिवाइस ऑन करना है। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ आपने क्लिक कर दिया, ब्लू लाइट आ रही है। अब मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये ऑलरेडी रीसेट होता है, बट अगर बाय चांस आपको लगता है कि ये रीसेट नहीं है तो आपको इसको 2-3 सेकंड बस दबा के रखना है। अब आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब ये रीसेट प्रोसेस पे और पेयरिंग प्रोसेस पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर या जहाँ से भी आप डाउनलोड करते हैं अपनी ऐप्स, वहाँ पर जाके आपको विप्रो की एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम। इसको ओपन करना है। अब ये पहली बारी सेटअप के लिए आपके यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगी। अगर आपका ऑलरेडी इसमें अकाउंट नहीं है तो आपको विप्रो पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बना दिया, तो लॉगिन करना, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, अकाउंट क्रिएट जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है। अब आपको डिवाइस ऐड करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस से भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। तो अब आपका डिवाइस कौन सा है, आपके लाइट है, सॉकेट है, पावर स्ट्रिप है। अब आप बोलेंगे सॉकेट है, पर ये सॉकेट BLE वाला नहीं है, वाईफाई वाला है, तो आपको सॉकेट सिलेक्ट करना है वाईफाई वाला। अभी मेरा वाईफाई दिखा रहा है, मेरा ये जो सेलेस्टियल है ये 5 GHz वाला है। मैं ओरायन सेलेक्ट करूंगा जो मेरा 2.4 GHz वाला वाईफाई है। देख सकते हैं इससे मेरा कनेक्ट हो गया है। ऐप पे जाते हैं तो यहाँ आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड डालना है, जो मैं डाल चुका हूँ। अभी आप बोल रहा है रीसेट कीजिए डिवाइस को, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किया तो आप अब कर सकते हैं। तो ये रीसेट होने के बाद ऐसे ब्लिंक करेगा, ठीक है, हमने कर दिया जी नेक्स्ट। अभी प्रोसेस भी दिखा रहा है रीसेट कैसे करते हैं, तो 5 सेकंड्स के लिए पकड़ना पड़ता है, तो वीडियो चलेगी प्रोसेस के लिए, सो इसको हम स्किप कर देते हैं। फर्म कि ये ब्लिंक कर रही है रैपिडली, तो बस खुद सेटअप हो जाएगा, वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ देखेगा, पासवर्ड देखेगा और कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और ये सेटअप हो जाएगा। 2 मिनट के आसपास का टाइमर ये लेता है, पर जल्दी सेट हो जाएगा अगर सब कुछ हो गया। अब आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक करनी बंद हो गई है, मतलब कि ये सेटअप हो गया है, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा करना है और ये सेटअप हो जाएगा। अच्छा, तो इसको मेन चलाने के लिए, हमेशा चलाए रखने के लिए आपको पावर वाला मेन स्विच ऑन रखना पड़ेगा। जहाँ पे भी आप इसको लगाएंगे वहाँ का मेन स्विच आपको हमेशा ऑन रखना पड़ेगा ताकि हमेशा चला रहे। वैसे आपका डिवाइस ऐड हो जाता है, आप देख सकते हैं 10 एम्पीयर का स्मार्ट प्लग ऐड हो गया। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेट्स से गीज़र में आपने लगाया तो गीज़र प्लग नाम दे सकते हैं, गीज़र स्विच नाम दे सकते हैं, खाली गीज़र जो आपका मन करे ना वो नाम दीजिए, जिससे आप गूगल से भी इसको कनेक्ट कर सकते। मैं यही नाम रहने दूंगा अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्लग आ गया और यहाँ से मैं ऑफ ऑन कर सकता हूँ। तो इधर इसकी लाइट पे फोकस जरूर कीजिएगा, तो इंस्टेंट है। तो अगर आप इसको मैनुअल भी ऑन ऑफ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअल ऑफ किया मैंने तो मेरी ऐप पे भी ऑफ शो हो गया, बट यहाँ से ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ से भी ऑन, यहाँ से ऑफ है तो ऑफ। तो अगर ऐप से नहीं करना तो आप हाथ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो देखिए ऐप पे भी ऑन आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप मैनुअल और ऐप के थ्रू दोनों तरीकों से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे एक काम कर लेता है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन भी है कि कितनी देर में आपने चीजें बंद करनी है, काउंटडाउन का ऑप्शन भी है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी है। तो अभी ये ज्यादा शो नहीं कर रहा क्योंकि ये कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, खुद भी बहुत ना के बराबर कंज्यूम कर रहा है। एंड अगर आपने अपने गूगल होम में कनेक्ट करनी है गाइस, तो अपने होम ऐप पे जाएंगे जो गूगल की है या एलेक्सा की ऐप पे जाएंगे और उस पर ऐड डिवाइस करके आपको ये विप्रो की ऐप सिलेक्ट करके वही विप्रो की ऐप में अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करना पड़ेगा। एंड जब आप इस विप्रो की ऐप में लॉग इन करेंगे तो ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा गूगल के थ्रू। ओके गूगल, टर्न ऑन 10A स्मार्ट प्लग। ओके, टर्निंग द 10A स्मार्ट प्लग ऑन। ओके गूगल, टर्न ऑफ 10A स्मार्ट प्लग। ओके, टर्निंग ऑफ द 10A स्मार्ट प्लग। ओके गूगल, टर्न ऑफ 16A स्मार्ट प्लग। ऑलराइट, टर्निंग ऑफ द 16A स्मार्ट प्लग। टर्न इट ऑन। ओके, टर्निंग द 16A स्मार्ट प्लग ऑन। ओके गूगल, टर्न ऑन द टीवी लाइट्स। Okay, Google, turn off the TV lights. तो गाइज यही था जो मैं आपको बताना चाहता था इन डिवाइसेस के बारे में कि ये बहुत अच्छे डिवाइस है अगर आपके पास ऑटोमेटेड डिवाइस नहीं है या आपकी चीज़ें को या आप ऑटोमेट करना चाहते हैं बट खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहते तो एक सस्ता जुगाड़ है जो आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक इट, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।